Hello students, how are you? Hope you are fine. Students, जैसे कि आपको पता है कि आपकी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन इस छुट्टियों में आपको अपना होमवर्क तो कंप्लीट करना होगा, और उसको कंप्लीट कैसे किया जाए ये हम अपनी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं इसके द्वारा करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है माय फैमिली। क्या नाम है? माय फैमिली। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फैमिली किसको कहते हैं। व्हाट इज अ फैमिली? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट लिव together in a house, okay? एक ऐसे लोगों का समूह जो एक ही घर में एक ही जगह पे रहते हैं, that is our family, okay? It doesn't mean that your uncle which is doing any job and out of town is living, then he is not your family member. It is not so. Here we have discussed that the family member is the group of people that live together in house, okay? But there are two types of family: nuclear and joint, okay? न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? अ फैमिली इन विच फादर, मदर and children are living. जिस फैमिली के अंदर फादर, मदर और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है? एक तो फादर होंगे, उनके पापा होंगे, उनकी मम्मी होगी और वो बच्चे होंगे। दैट फैमिली मेक्स द न्यूक्लियर फैमिली, ओके? जिसको हम एकल परिवार भी बोलते हैं, ओके? नेक्स्ट इज आवर जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मीन्स जिस फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा और दादी, पेरेंट्स मम्मी और पापा, अंकल, आंट एंड चिल्ड्रंस, इनके बच्चे, दैट इज अ जॉइंट फैमिली। वो परिवार जिसके अंदर दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा, अंकल, आंट और उनके बच्चे रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली कहलाती है। इज दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ा है कि फैमिली क्या है, किसको कहते हैं? फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज लिविंग इन अ हाउस। एक ऐसे लोगों का समूह जो एक घर में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैमिली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली, वन इज न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड इज जॉइंट फैमिली, ओके? न्यूक्लियर फैमिली वो होती है, एकल परिवार भी बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? एकल परिवार। और इसको क्या बोलते हैं हम? संयुक्त परिवार। मीन्स जिसके अंदर सभी लोग मिलकर रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंट हैं एंड चिल्ड्रंस हैं। क्लियर? ये सब बच्चे, ये सब जब एक जगह पे रहते हैं तो वो जॉइंट फैमिली बन जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि अगर आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं जो एक जगह रह रहे हैं, उनके अलावा क्या फैमिली मेम्बर नहीं है? वो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ओके। क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स कभी कभी किसी काम की वजह से, किसी और रीजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। पहले कैसी फैमिली होती थी? जॉइंट फैमिली होती थी, ओके। उसके बाद क्या हुआ? न्यूक्लियर फैमिली बन गई उनसे। कैसे बनी? क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं, इनके जो मेंबर थे वो किसी काम की वजह से, वर्क, ड्यू टू वर्क एंड एनी अदर रीजन, या किसी दूसरे काम से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारी न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। तो ये जॉइंट फैमिली बट जाती है, इसमें फिर न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, ठीक है। तो जो हमसे दूर रहते हैं, हमारे ही परिवार के लोग, तो वो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी फैमिली के अंदर, मान लीजिए राम है, सपोज राम, ओके, राम इन राम्स फैमिली देयर इज फादर, mother, Ram and his sister. Then which type of family is this? ये किस तरह की फैमिली बनेगी? This is nuclear family, okay? किस तरह की फैमिली है ये? Nuclear family है, clear? Next one, another example, Shyam's family. In this family there are grandparents, parents, uncle, aunt. Shyam and his cousins. Which type of family is this? This is joint family. किस तरह की फैमिली है ये? Joint family है, okay. Now we are going to discuss about the generation. कौन कौन से जनरेशन हमारी फैमिली के अंदर होती हैं? कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले कौन होता है? तो सबसे पहले होता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मींस दादा और दादी, this is our first generation. This is our first generation. After that, parents, uncle, aunt. This is our second generation. तो ये हमारी कौन सी जनरेशन होगी? सेकेंड जनरेशन। आफ्टर दैट वी, और वी कैन से चिल्ड्रंस, वो कौन सी जनरेशन? दैट इज द थर्ड जनरेशन। ओके, दीज आर द जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन होता है? हमारे दादा दादी होते हैं, क्लियर। सेकेंड जनरेशन में कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंट। क्लियर? थर्ड जनरेशन में कौन होगा? हम लोग होंगे, और उसके बाद और चिल्ड्रंस, दैट विल बी द फोर्थ जनरेशन। क्लियर? तो दिस इज द जनरेशन और वी कैन से ट्री ऑफ फैमिली जनरेशन। ओके, तो दिस टाइप ऑफ ट्री वी कैन मेक। तो सबसे पहले कौन आता है? हमारा ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, जिनसे हमारी जनरेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे पेरेंट्स आते हैं, देन वी। ओके, नेक्स्ट है कि आवर रिलेटिव्स। किस तरह के रिलेटिव्स होते हैं हमारे पास? एक तो होता है हमारे पेरेंटल, सॉरी पैटर्नल। सेकेंड इज मैटरनल। ओके, पैटर्नल मीन्स फ्रॉम फादर साइड, और मैटरनल मीन्स फ्रॉम मदर साइड। क्लियर? जो हमारे फादर्स ब्रदर हैं वो क्या होते हैं? हमारे अंकल। उसी तरह जो मदर्स ब्रदर हैं वो भी क्या होते हैं? अंकल ही बोलते हैं उसको हम। ओके, जो फादर सिस्टर होती है उसको क्या कहते हैं? आंट बोलते हैं। ओके, मदर सिस्टर होती है उसको क्या कहते हैं? उसको भी हम आंट बोलते हैं। तो दिस इज अवर टाइप ऑफ रिलेशंस, वी कैन से फ्रॉम पेरेंट्स, पैटर्नल फ्रॉम फादर साइड और मैटरनल फ्रॉम मदर साइड। अंकल को हम फादर्स ब्रदर को अंकल बोलते हैं, और मदर्स ब्रदर को मैटरनल अंकल भी बोल सकते हैं। अंकल ही बोलते हैं, लेकिन होते क्या हो? मैटरनल अंकल होते हैं। दैट क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, कि हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं, क्या क्या सीखते हैं हम अपनी फैमिली से। तो what we learn from our family, हम अपने फैमिली से क्या सीखते हैं? आप क्या सीखते हो अपने फैमिली से? तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? लव, कोऑपरेशन, मॉरल वैल्यू। ओके, वी कैन से शेयरिंग। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। हम एक दूसरे से आपस में मिलकर रहते हैं। अगर जब किसी फैमिली मेंबर्स को जरूरत होती है तो हम उसके साथ कोऑपरेटिव होते हैं, उसका सहयोग करते हैं। ठीक है, मॉरल वैल्यू मीन्स हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटों से मिलके रहना चाहिए। इस तरह के जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हम सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? वो सब फैमिली से ही आती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेयरिंग। जब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं तो वो हम अपने दूसरे ब्रदर सिस्टर से भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर sharing. Or students, hope you have learned this chapter, or you will be able to understand something from this chapter. Okay, so this is our first chapter which we have discussed. The name of the chapter is our My Family. Clear? Thank you.